थ्री पेनी स्टॉक्स आज के वीडियो में मिलने वाला है, वो भी अंडर ₹10। यस, एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, कोई भी जिमिक वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड रियल वीडियो है, जहां पे आज मैं आपको अंडर ₹10 थ्री शेयर्स बताने वाली हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम चीप शेयर खोज रहे हैं, पेनी स्टॉक खोज रहे हैं जो कि 5 to 10 rupees में आपको मिल जाए, जिन्हें आप लेके भूल सकते हैं, जिन्हें आप 1 to 2 years रख के देख सकते हैं कि किस प्रकार से काम कर रहा है, सो दीज आर द स्टॉक्स जो कुछ शेयर्स आपको 50 to 100 क्वांटिटीज लेके छोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप ऐसे शेयर्स खोज रहे हैं अंडर ₹10, तो ये चार्ट्स ब्लर दिख रहा है, चार्ट से ब्लर हटते जाएगा जैसे जैसे मैं शेयर्स बताते जाऊंगी, क्योंकि आप इन शेयर्स को देख सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च मैंने की है 10 rupees के नीचे राइट नाउ मार्केट इतना ऊपर हो गया कि राइट नाउ आपको सिर्फ और सिर्फ 50 to 55 क्वांटिटी ऑफ शेयर ही ट्रेड होते दिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड उन 50 शेयर्स में से आज आपकी कृतिका यहाँ पे बेस्ट 3 शेयर्स लेके आ गई है। कौन से है ये बेस्ट 3 शेयर्स अंडर ₹10 जो आपको मिल जाएंगे? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, एंड लेट्स बिगिन दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। देखिए, जो सबसे पहला शेयर है जिसके बारे में यहाँ पे सब तरफ यहाँ पे चर्चा हो रही है, टर्न अराउंड की बहुत बड़ी बातें हो रही है, ये शेयर आपको मिल जाएगा 10 rupees में। देखिए, चार्ट से ब्लर हटाती हूँ, शेयर का जो नाम है वो है वोडाफोन आइडिया। एक मिनट रुकिए, स्टॉप, कहीं वोडाफोन आइडिया सुनते साथ लेने की तो नहीं सोच रहे? नहीं, एक बार ज़रा मेरी एनालिसिस तो देख लीजिए। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट लोग, टीवी के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, एक बस क्रिएट यहाँ पे किया जा रहा है कि अब ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिखा रहा है, एंड ये शेयर आपको सिर्फ 10 rupees में मिल रहा है, तो क्या आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, चलिए बता देती हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता होगा कि पहले ये सिर्फ आइडिया हुआ करता था, जो कि 120 to 150 rupees के अराउंड में ट्रेड हुआ करता था इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर मैनेजमेंट इश्यूज के कारण ये यहाँ पे फॉल होते चला गया, एंड मैनेजमेंट इशू के कारण ये गिरते चला गया, मर्ज हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, फिर भी ये शेयर गिरता 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 चला गया, एंड ये शेयर बीच में तो 2 to 5 rupees का हो गया था। अब ये शेयर वापस से आपको स्टॉक मार्केट में 10 rupees के अराउंड यहाँ पे ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट लोग ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे टाइम आ गया, द टाइम हैज कम नाउ कि ये एक्सपेंशन करेगा, टर्न अराउंड दिखाएगा, कुछ बड़ा करेगा, एंड कुछ न्यू मर्जर्स के बाद ये शेयर वापस से 30 to 60 rupees टच करेगा। सो इसको बाय करने के पहले एक चीज आप जरूर से नोट कर लीजिए, जो इसका जो ऑफिशियल फंडामेंटल टेबल है राइट नाउ, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसका मार्केट कैप है 62-63,000 crore के अराउंड। अब अगर आप इसका प्रॉफिट देखेंगे तो ये ईयर का 30,000 crore का लॉस करता है, 2 years का लॉस अगर आपको ऐड कर देंगे ना, तो इसका मार्केट कैप से ज़्यादा हो जाएगा जो ये 2 साल में लॉस कर दिया है, जबकि ये शेयर 10 to 15 years से स्टॉक मार्केट में है। जबकि कंपनी के ऊपर अगर आप डेट देखेंगे तो 2.5 lakh crore का डेट है कंपनी के ऊपर, जो कि 4 times ज़्यादा है इसके मार्केट कैप से, यानी कि कंपनी कभी भी यहाँ पे एंड हो सकती है, बंद हो सकती है, स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो सकती है। ऑल्टमैन जेड स्कोर देखेंगे ना तो ये माइनस में है, जबकि ऑल्टमैन जेड स्कोर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, जो कि बताता है कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है। जैसे कि मैंने आपको मार्केट कैप और डेट बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी यहाँ पे कभी भी ये ख़त्म हो सकती है, ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि शेयर प्राइस 0 हो जाएगा, नहीं, कई बार स्टॉक मार्केट के ऐसा भी होता है कि 2,000 rupees की कंपनी है, लेकिन अगर उसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, उसके फंडामेंटल्स बहुत ख़राब है, बैड है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, तो उसे स्टॉक मार्केट से डिलीस्ट कर देते हैं, यानी कि जिसके पास जो शेयर है ऑफिशियली वो शेयर को कभी सेल नहीं कर पाएंगे, एंड उसके जो जितने कैपिटल है वो पूरी तरीके से एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। बात करते हैं वोडाफोन आइडिया को लेना या नहीं लेने का, तो देखिए कब लेना है, तो देखिए आप ले सकते हैं तब जब इसके जो सिम्स है सेल होने लगे, इसका जो फाइबर कनेक्शंस है वो ले आएंगे, कुछ अच्छा किया है, मैनेजमेंट अच्छी हो गई है, तब ले सकते हैं, वरना टिल देन आप इसे अवॉइड करें। अब ये बात हो गई आपको क्या शेयर ₹10 में अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन से ₹10 के शेयर अब आपको बाय करना है। देखिए, एक शेयर तो मैं आपको 5 rupees में दिलाने वाली हूँ। तो देखिए, जो सबसे जो मेरा फर्स्ट नंबर का जो शेयर है वो 8 rupees के अराउंड ट्रेड होता दिखाई दे देगा, चार्ट आपके सबके सामने है, बासमती राइस बनाता है, 3000 से ज़्यादा शॉप्स में इसके डिस्ट्रीब्यूटर है बैठे हुए जो इसके सेल्स कराते हैं। इसके अलावा 70% डोमेस्टिक मार्केट से कमाता है, 30% एक्सपोर्ट से कमाता है, US, China, Europe जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। शेयर का जो नेम है वो है सर्वेश्वर
फूड, यहाँ पे आपको ट्रेड होगा 8 रुपीज़ के अराउंड। फंडामेंटल टेबल अगर आप इसके देखेंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है एक पेनी स्टॉक का। मार्केट कैप 1000 करोड़ है, जो कि अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बुक वैल्यू 3 के अराउंड है, यानी कि आप शेयर को 5 to 6 रुपीज़ के अराउंड बाई करने की कोशिश करें, क्लोज टू बुक वैल्यू। प्रॉफिट कंपनी एनुअली 15 करोड़ प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के पास 1 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, गुड थिंग। डेट देखेंगे तो 290 करोड़ का यहाँ पे डेट है कंपनी के ऊपर, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.19 का है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि पेनी स्टॉक है, 2 होना चाहिए, तो 2 से क्योंकि कम है, सो वील कंसिडर इट ओके। ऑल्टमैन जेड स्कोर देखेंगे तो वो है 5 का। तो फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे, वैल्यूएशन चीप दिखाई दे रही है, एंड और एक FMCG ब्रांड है, यानी कंज्यूमर को सेल करता है अपने प्रोडक्ट, यानी कि थर्ड पार्टी नहीं है, B2B मॉडल नहीं है, B2C मॉडल नहीं है, ये क्लिक कर सकता है। ये अच्छा शेयर है, 10 रुपीज़ के नीचे आप खोज रहे हैं तो इससे अच्छा फंडामेंटल्स वाले शेयर मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एंड बाकी जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में, वो तो आपको यहाँ पे मार्केट तो दिखाएगा ही। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये बैठ रहा है, रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक है, तो 10 रुपए के नीचे अंडर ₹10, दिस विल बी द पिक जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखने का सोच सकते हैं। तो इस शेयर पे आप जरूर से ध्यान रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट आप बैठे बैठे यहाँ पे घर बैठे बैठे विद इन फ्यू मिनट्स खुला लीजिए। जो डीमैट अकाउंट की जो वो लिंक है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीमैट अकाउंट मेरे साथ ओपन कराइए। चलिए आज के थर्ड शेयर की बात कर लेते हैं। थर्ड शेयर खोजने में मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगी है, बहुत हार्ड वर्क मुझे करना पड़ा है। तो आप इस वीडियो को जहाँ से देख रहे हैं बैठे बैठे एक लाइक तो यहाँ पे ज़रूर से दे दें, ताकि मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिले, एंड मैं आपके लिए और ऐसे रिसर्च करके ले आऊँ। देखिए, ऐसे शेयर्स आपको जनरली लोग काफ़ी हाई फीस, जैसे कि 20,000-30,000 लेके बताते हैं, लेकिन मैं रिसर्च के बाद आपको बिल्कुल फ्री में बता रही हूँ। बाकी आप अपनी रिसर्च और स्टडी तो खुद करके देख लीजिएगा एक बार। शेयर का जो नेम है वो है फिलाटेक्स फैशन। कंपनी सॉक्स बनाती है, मोजे बनाती है। कंपनी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 2022 में प्रोमोटर होल्डिंग 1.5% थी, जो कि 23 में इंक्रीज होके 25% हो गई। तो एक बहुत बड़ा सर्ज है, स्पाइक है। अब प्रमोटर अगर कोई शेयर खरीद रहा है, यानी खुद के कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी उसको अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने करके लाई है। ये स्टॉक मार्केट में आपको 10 रुपीज़ में ट्रेड होता मिल जाएगा। चीप वैल्यूएशन, चीप शेयर है, पेनी स्टॉक है। फंडामेंटल टेबल से ले जान लेते हैं, तो ऐसे एक्सीलेंट प्रॉमिसिंग स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपका दिल खुश हो जाए। जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, होप्स आपको ये वीडियो वर्थ इट लगा होगा। पहले मैंने आपका पैसा बचा दिया वोडाफोन आइडिया के साथ, फिर मैंने आपका पैसा बना दिया सर्वेश्वर फूड के साथ, और फिर एक स्टेप आगे बढ़कर उससे भी एक्सीलेंट स्टॉक लाई हूँ, जिसका नाम है फिलाटेक्स फैशन। फिलाटेक्स फैशन का फंडामेंटल चले टेबल यहाँ पे बता देते हैं। मार्केट कैप 2200 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा है। बुक वैल्यू 14 का है, राइट नाउ शेयर 10 पे चल रहा है, यानी बुक वैल्यू से भी कम वैल्यूएशन पे शेयर चल रहा है। जनरली शेयर बुक वैल्यू के 3 to 4 times वैल्यूएशन पे यहाँ पे चलते हैं, जबकि ये शेयर आपको बुक वैल्यू से भी कम पे यहाँ पे आपको ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों की नज़र इस शेयर पे नहीं है, लेकिन ये शेयर आपको सस्ता यानी चीप दिखाई दे रहा है। एंड मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे दावे के साथ, पूरे गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में, गूगल इंडस्ट्री में आप जाके खुद देख लीजिए कि आपको 10 to 15 रुपीज़ का शेयर, कोई भी शेयर बुक वैल्यू के नीचे आपको नहीं दिला पाएगा। और इसलिए मैंने कहा है कि मेरी बहुत मेहनत की रिसर्च है, इसलिए एक लाइक और मेरे इस वीडियो का एक शेयर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो बनता है, जरूर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले एंड अगले बार इससे भी अच्छा और फैसिनेटिंग प्रॉमिसिंग शेयर आपके लिए लेके आऊं। 52 वीक अगर लो देखेंगे तो 10 है, ऑल्टमैन 3 है, जो कि 2 से ज्यादा है, बहुत अच्छा है। ROE 16%, ROC 16% का, ROE ROC बहुत अच्छा है, कंज्यूमर ब्रांड है, डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, वैल्यूएशन चीप है, एंड बहुत अच्छा शेयर ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्क फैक्टर क्या है फिलाटेक्स फैशन में, तो देखिए, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट इश्यूज आ जाए, मैनेजमेंट एक्शन ले ले, या फिर कुछ स्कैम कर दे, या फिर IT डिपार्टमेंट रेड कर दे,
तब वर्स्ट के सिनेरियो में तब ये शेयर गिरेगा, वरना मुझे ये शेयर यहाँ से 2 to 3 times होता दिखाई दे रहा है विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 12 to 24 months। बाकी आप अपनी एक बार खुद से स्टडी कर लीजिएगा, खरीदना है नहीं, एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर से पूछ लीजिएगा। पोर्टफोलियो में जम रहा है तभी आप यहाँ पे लीजिएगा, रिस्क लेने के लिए तैयार है तभी यहाँ पे लीजिएगा। बाकी मैं आपको रिसर्च और स्टडी पर्पज़ के लिए बता दी हूँ, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, सो दिस इज़ अ स्टॉक टू गेट गुड रिजल्ट। अगर ये कंपनी कुछ बड़े कंपनी के साथ मर्जर कर लेता है तो और भी बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये शेयर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, एक बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करते हैं, इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सभी लोग के साथ शेयर करते हैं तो आप गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जहाँ पे आपको मेरे criticaltopstocks.com के वेबसाइट में फ्री वाउचर्स एंड फ्री कूपन कोड्स मिलेंगे, जहाँ पे आप यूज़ करके प्रीमियम कंटेंट को आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, फ्री ई बुक पढ़ पाएंगे एंड इसके अलावा Amazon कैशबैक भी देखने को मिलेगा हमारी टीम के तरफ से। तो इस वीडियो में बन जाता है आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो ज़रूर से किया ही होगा आई एम श्योर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर देना है। आपके लिए एक और छोटी सी गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप इस वीडियो में मुझे देते हैं 10,000 लाइक, अगर आप इस वीडियो में मुझे देते हैं 10,000 लाइक तो अगले वीडियो में मैं आपको ये जो शेयर दिख रहा है जिसे मैंने ब्लर करके रखा है, सिर्फ 6-7 रुपीज़ का शेयर है जिसमें मैं खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, वो मैं आपको फ्री में बताऊंगी। तो आप यकीन कीजिए ये शेयर आने वाले नेक्स्ट 6 months में 5 to 6 times होने का पोटेंशियल रखता है। मैं फ्री में बता सकती थी लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कितना लाइक और यहाँ पे मुझे प्यार देते हैं वो ज़रूर से मैं देखूँ। अगर आप इस वीडियो में मुझे 10,000 लाइक देते हैं तो मेरे अगले यूट्यूब फ्री वाले वीडियो में अपने पसंदीदा शेयर जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ 6 to 7 रुपीज़ का, बहुत एक्सलेंट शेयर है एंड ये समुद्रों पे राज करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें एंड यहाँ पे हमारा जो चैनल है उसे यहाँ पे ज़रूर से अपना सपोर्ट देते रहें, फ्रेश फ्रेश कंटेंट एंड फ्रेश इंटरेस्टिंग शेयर्स को एंजॉय करते रहें, स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट करते रहें। और पेनी स्टॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन है, ज्वाइन भी कर सकते हैं, प्रीमियम मेंबर्स आप बन सकते हैं जिनको एक्सेस मिलता है बहुत अच्छा क्वालिटी मल्टी बैगर एंड क्वालिटी पेनी स्टॉक का। सो फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन की भी जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप सो यू हैव एंजॉयड इट अ लॉट एंड गेट टू नो फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर knowing share and see you soon in my fresh new another interesting video. Till then bye bye and keep watching.